आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ठंडाई प्रीमिक्स, जिसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस ठंडाई प्रीमिक्स को आप एक बार बनाकर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे हमने घर पर बनाया है तो ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो जब भी आपका इंस्टेंट कुछ पीने का मन करे तब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ठंडाई प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भिगोने के लिए रखेंगे। इसमें मैंने लगभग 20 से 25 बादाम, थोड़े से काजू और पिस्ता लिए हैं। इसका रेशियो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे खसखस, जिससे ये काफ़ी हेल्दी बनता है। 2 चम्मच जितनी ही खरबूजे की मिगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से मखाने और हम इसमें डालेंगे 10 से 12 इलायची, जो कि इसमें अच्छी खुशबू देंगी। 1 से 1.5 चम्मच जितनी सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च और हम डालेंगे थोड़ी से रोज़ पेटल यानी कि गुलाब की पत्तियाँ। आपके पास फ्रेश हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी तरह सुखाकर स्टोर करें। अभी इसमें पानी डालकर कम से कम 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे में आप देखेंगे सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं। जब ड्राई फ्रूट्स किसी तरीके से हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसे एकदम फाइन पीस कर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसे पीसते समय जिस पानी में हमने इसे भिगोने के लिए रखा था उसी पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। अभी हम इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसका पेस्ट बनाते समय आप थोड़ा सा पानी और भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से सभी ड्राई फ्रूट्स का मिक्सर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आप इंस्टेंट ठंडाई बनाना चाहते हैं तो इसी से सर्व कर सकते हैं, बट आज हम प्रीमिक्स बना रहे हैं तो इसके लिए हम प्रीमिक्स तैयार करेंगे। प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप जितनी चीनी, और जितनी हमने चीनी ली है लगभग उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। तो लगभग 1.5 से 2 कप जितना ही हम इसमें पानी डालेंगे और हम इसमें अच्छी खुशबू के लिए डालेंगे थोड़ी सी केसर। अगर केसर है तो आप ज़रूर डालें। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पूरी चीनी को पानी में अच्छे से घुलने तक पकने देंगे। हमें यहाँ पर इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही पकाना है जब तक पूरी चीनी जो है वो पानी में एक बार अच्छे से घुल जाए। जब पूरी चीनी पानी में घुल जाएगी तो इस स्टेज पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उन सभी मिक्सर को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इसके अंदर लम्स ना रहें। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एकदम स्मूथ मिक्सर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको लगे कि मिक्सी के जार में थोड़ा बहुत पेस्ट रह गया है तो आप थोड़ा पानी डालकर उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाना है, जब तक जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से पक ना जाए और मिक्सर जो है वो एकदम थिक कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे मिक्सर का कलर एकदम डार्क हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर या फिर बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपका ठंडाई पीने का मन करे आप इसे इंस्टेंट बनाकर सर्व कर सकती हैं। तो ये तो हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस प्रीमिक्स से इंस्टेंट ठंडाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए बस ग्लास में आप थोड़ी सी बर्फ़ डालें और बनाया गया प्रीमिक्स डालें। प्रीमिक्स डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा दूध। आप दूध चाहें तो कच्चा ले सकते हैं या फिर एक बार गर्म करके दूध को अच्छे से ठंडा कर लें। अच्छे से ठंडा किया हुआ दूध इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे जितना भी प्रीमिक्स नीचे रह गया है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सबसे लास्ट में थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इस होली पर ये ठंडाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप भी इसे ट्राई करें। तो मिलते हैं एक बार इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।